कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए लॉकडाउन के दौरान मंडला जिले के करीब 22 छात्र छात्राएं राजस्थान के कोटा में फंस गए थे, जिन्हें प्रदेश की शिवराज सरकार की मदद से सभी को अपने अपने घर पहुंचा दिया गया है। राजस्थान के कोटा शहर से मंडला जिले के 22 छात्र छात्राओं को लेकर विशेष बस जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर जारगी चेक पोस्ट पर पहुंची, जहां सभी विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोटा में वैसे एक महीने से फंस हुई थी, कोशिश की थी कि मिल जाए परमिशन, लेकिन मिल नहीं रही थी। फिर अभी एमपी गवर्नमेंट ने किया तो फिर परमिशन मिल गई, तो फिर मैं आ गई। 2 दिन लगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। हम कोटा में रह हुए थे अभी, इसके पहले एग्ज़ाम थी जेई मेन की, तो इसलिए कोटा जाना पड़ा था, लेकिन फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई लॉकडाउन के कारण, तो फिर घर भी नहीं जा पाए। तो फिर अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी हेल्प मिली है। बहुत दिनों से फंसे हुए थे, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना महामारी जो इस समय फैली हुई है, तो हमारे पूरे प्रदेश के बच्चे जो बाहर इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए हुए हैं वो फंसे हुए थे। ये कोटा से आए हुए हैं, 22 बच्चे हैं हमारे ज़िले के, और शासन ने इनकी व्यवस्था की है कि पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे जो कोटा में थे, ज़्यादातर अधिकतर बच्चे थे वहाँ पर, तो उनको लाने का प्रयास है। हमारे ज़िले के 22 बच्चे थे, उनको लेके आए हैं, और इसमें अभी यहाँ पर हम जारगी में इनका टेस्टिंग कराया है, और भोजन वगैरह करवाने के बाद इनको इनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये भी विशेष रूप से इनको हिदायत दी जा रही है कि 14 दिन ये अपने ही घर में क्वारंटाइन रहेंगे। जो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।